Hello everyone, today I am going to take next problem of journal entry, and after that I am taking the revision of your depreciation chapter. So those student not attend that lecture, so today's session very important for them. So let's start first. 2014 June 1st, Shri Mathur invested in the business rupees 6,000, cash, goods rupees worth 3,000 and building worth rupees 12,000. So इससे क्या जनरेट होता है टोटल कैपिटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया है इन बिजनेस 6,000 कैश है लाया है, गुड्स रुपीज 3,000 है और बिल्डिंग रुपीज दिया हुआ है हम लोग को 12,000. सो फर्स्ट इसकी एंट्री करेंगे हम लोग. देखिए सबसे पहले लाया है उसने कैश, सो कैश की एंट्री होगी. सही है, कैश अकाउंट क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट. उसके बाद है गुड्स. सही है, सो गुड्स गुड्स अकाउंट डेबिट. वन बाय वन एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट. उसके बाद क्या लाया है उसने, बिल्डिंग है उसके. सही है, सो बिल्डिंग की एंट्री करेंगे हम लोग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू. क्या जनरेट हुआ इससे, कैपिटल. सही है, टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट. सो टोटल कितने अमाउंट लाया है उसने, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर. लेट्स सी, 6,000, 3,000 एंड 12,000. सो उसकी वन बाय वन एंट्री करेंगे हम लोग. कैश दिया हुआ है 6,000. सही है, उसके बाद दिया हुआ है गुड्स रुपीज 3,000, उसके बाद दिया हुआ है 12,000. सो टोटल आया है इसका कितना, 21,000. टू कैपिटल दिया हुआ है 21,000. सो उसको नरेशन लिखेंगे हम लोग. क्या आएगा नरेशन, बीइंग कैश गुड्स एंड बिल्डिंग ब्रॉट इन टू द बिजनेस. वेरी सिंपल, लेट्स सी, बीइंग उसके बाद दिया बीइंग कैश, उसके बाद दिया हुआ है गुड्स. सही है, बीइंग गुड्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड बिल्डिंग, उसके बाद दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग ओके, बिल्डिंग brought into the business. So brought into business, brought or in the business. So yeah, the business. देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ. Cash account debit 6,000, goods account debit 3,000, building account debit 12,000. To capital unit हुआ. Narration इसका है being cash, goods, building. ओके, ब्रॉट इन टू द बिजनेस. समझ में आया, जो हमने इसके अंदर एंट्रीज के अंदर किया उसका हम लोग क्या कहते हैं, इन नरेशन जो सिंपल वे में आते हैं वो लेते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है उसके बाद. सो नेक्स्ट दिया हुआ है बोरो फ्रॉम बैंक. सही है, क्या हुआ है, कैश बोरो किए किस कहां से, बैंक से. सो इसकी एंट्री कैसी होगी, बोरो, बोरो मतलब क्या होता है, लोन. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट. सही है, उसने क्या किया, बोरो किया कैश बैंक से. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट कितना दिया हुआ है, 8,000. सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग. नेक्स्ट दिया हुआ है 2nd जुलाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कैश अकाउंट डेबिट. सही है, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद दिया हुआ है टू बैंक. अभी क्या क्या बोरो किया है, सो बैंक लोन अकाउंट. सही है, बैंक लोन अकाउंट. सो कितनी अमाउंट थी, 8,000. सो हम लोग के पास क्या आई, कैश आई बैंक के पास से टू बैंक लोन. सही है, 8,000. सो उसको नरेशन देंगे हम लोग, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक. सही है, बैंक. समझ में आया. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर परचेस गुड फॉर कैश. अभी यहाँ पे क्या किया है, गुड्स परचेस किए, सिंपल एंट्री होगी इसकी. सो परचेस और गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लोग के पास क्या आए, गुड्स आए और हमने पैसे पे किए. सो गुड्स अकाउंट डेबिट और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सही है, सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग 3 जुलाई. सही है, सो क्या परचेस किया हम लोग ने, गुड्स. सही है,
सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू, क्या पे किया आप लोग ने, कैश टू कैश अकाउंट, समझ में आया, नरेशन आएगा इसको, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, बीइंग परचेज क्या है, गुड्स, सही है, गुड्स फॉर कैश, समझ में आया, अमाउंट दी हुई हम लोग को यहाँ पे 5000, ओके, सो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है आज जो मैं ले रहा हूँ, सही है, उसी के साथ आपका रिवाइज रहेगा डिप्रिसिएशन का, जो जो स्टूडेंट ने, जैसे कि मैंने कहा स्टार्ट में, जो स्टूडेंट ने डिप्रिसिएशन चैप्टर अटेंड नहीं किया था या जिसने अभी तक नोटबुक में नहीं लिखा है, सो आज उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आज का लेक्चर, जिसको भी समझ में नहीं आएगा आप फिर से देखिए आप डिप्रिसिएशन का रिविजन, और उसी के साथ जनरल एंट्री का जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो भी बहुत ईजी है, ठीक है, सो आप देख सकते हैं आज के लेक्चर में, सो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद हम लोग को नंबर फोर जून, एक्चुअली यहाँ पे जून दिया, ओके, सो फोर जून दिया हुआ है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रामा प्रताप, सही है, अभी यहाँ पे क्या बताया है कि गुड्स जो है वो क्या किए, सेल किए, लेकिन कौन से बेसिस पे ऊपर, क्रेडिट बेसिस के ऊपर, सो किसको गुड्स मिले, रामा प्रताप को, सो रामा प्रताप अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, गुड्स अकाउंट, सो इसके एंट्री करेंगे हम लोग सबसे पहले, लेट्स सी फर्स्ट, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है जून, उसका करेक्शन कर लीजिए जून, ठीक है, सो नेक्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद फोर राणा प्रताप अकाउंट डेबिट, राणा प्रताप, सही है, राणा प्रताप अकाउंट डेबिट टू, क्या सेल किया हम लोगों ने उनको, गुड्स टू, क्या दिया हुआ है, गुड्स अकाउंट, सही है, गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट, नरेशन आएगा इनका, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, बीइंग गुड्स सोल्ड, कौन से बेसिस के ऊपर किया हम लोग ने, क्रेडिट बेसिस, सो क्रेडिट, ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट दी गई है इसके लिए, प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे हम लोग, अमाउंट दी है यहाँ पे 3000, सो अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 3000 एंड हियर आल्सो इन 3000, ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे कौन सी एंट्री दी हुई है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद 5 जून, ओके, कैश रिसीव फ्रॉम राणा प्रताप, अभी यहाँ पे क्या है, जैसे हम उनको गुड सेल किया तो उसके हम लोग के पास क्या आई, कैश आई, सो कैश की एंट्री करेंगे हम लोग, सही है, सो इसकी एंट्री कैसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राणा प्रताप अकाउंट, कहां से मिले, जिसको हमने सेल किए थे गुड्स, उनके वास्ते हमें क्या हुई, कैश रिसीव हुई, मतलब क्या है हम लोग के पास, कैश आई, सही है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू राणा प्रताप अकाउंट, सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू राणा प्रताप अकाउंट, राणा प्रताप अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू राणा प्रताप अकाउंट, नरेशन आएगा इनका, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राणा प्रताप, सो उसकी नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग कैश रिसीव Cash received from Rana Pratap. From Rana Pratap. Okay. Being cash received from Rana Pratap. कितनी cash received की थी हम लोग ने? उनके पास से कितने आया है? Let's see. Fifth. कितना आया है? Cash received from Rana Pratap 1000. So कितना आया यहाँ पे answer? 1000. डेबिट साइड हियर इन एंड क्रेडिट साइड आल्सो इन 1000. सो उसके बाद सो नेक्स्ट देखेंगे क्या है दिया हुआ. नेक्स्ट दिया हुआ है 6 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम जीवन. सही है. अब यहाँ पे क्या बताया है कि गुड्स जो क्या किए परचेज किए. सही है. सो इसकी एंट्री कैसी होगी. हम लोग के पास क्या आए
गुड्स आए, सही है। सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कास किसके पास से लिए, जीवन के पास से ऑन क्रेडिट बेसिस। सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू जीवन अकाउंट, एंट्री करेंगे यहाँ पे 6 गुड्स अकाउंट डेबिट टू जीवन अकाउंट। ओके, गुड्स अकाउंट डेबिट टू जीवन अकाउंट। सो इसका नरेशन रहेगा बीइंग गुड्स, सही है, बीइंग गुड्स ब्रॉड ऑन क्रेडिट बेसिस, बीइंग गुड्स ब्रॉड ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, सो अमाउंट कितने दिए प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे हम लोग। अमाउंट दिए हुए हम लोग को 6,000। ओके, सो उसके एंट्री करेंगे हम लोग। सो 6,000 ऑन डेबिट साइड, 6,000 एंड 6,000। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है उसके बाद हम लोग को। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद डेट 9, चाहिए जून 9 के लिए दिया हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जीवन, सही है। क्या बताया है कि गुड जो क्या है सोल्ड किए किसको, जीवन को। सो सेल की एंट्री होगी कैसी, जीवन अकाउंट डेबिट, और क्या सेल किया है गुड्स, टू गुड्स अकाउंट या टू सेल अकाउंट। सो उसके एंट्री करेंगे हम लोग 9 जीवन अकाउंट डेबिट, जीवन अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट, सही है। अमाउंट दिए इसको 3,000। सो इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बहुत ही सिंपल थी ये। सी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, 9 के बाद दिया हुआ है हम लोग को पेड सैलरी। अभी यहाँ पे क्या बताया है, सैलरी क्या है पेड की है। सो कैसे एंट्री होगी, क्या गया हम लोग के पास से कैश गई है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या गई है, कैश टू कैश अकाउंट। सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग 10, सही है। सी क्या दिया है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू क्या दिया हुआ है, टू कैश अकाउंट, सही है। क्या पेड किया हम लोग ने, सैलरी पेड किया है इन कैश फॉर्म, कैश अकाउंट। सो इसका नरेशन रहेगा बीइंग सैलरी पेड। सो बीइंग सैलरी पेड, ओके, अमाउंट दी गई है इसकी प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे कितनी दिए हुए अमाउंट। अमाउंट दी गई है हम लोग को 1,500। सो 1,500। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एंट्री है उसके बाद 16 को पेड ऑफिस रेंट। अब यहाँ पे क्या बताया है, ऑफिस रेंट क्या किया है, पेड किया है, सही है। सो इसकी एंट्री होगी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, सेम कैश हम लोग के पास है, फिर से हमने क्या की पेड किए मतलब कैश गई है। सो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है। इसकी एंट्री करेंगे हम लोग 16 दिया हुआ है ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट,
क्या पेड किया आप लोग ने? कैश, कैश अकाउंट, सही है। इसका नरेशन क्या रहेगा? बीइंग ऑफिस रेंट पेड, सो बीइंग ऑफिस रेंट पेड। सो अमाउंट लिखेंगे हम लोग इसकी, कितनी दी है अमाउंट हम लोग को? लेट्स सी, अमाउंट दी है हम लोग को 350। सो 350 कैश इन क्रेडिट साइड 350। ओके, सो नेक्स्ट है, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है। ऑफिस रेंट के बाद दिया हुआ है रिसीव कमीशन, कितना? 175। क्या हुआ है हम लोग को? कमीशन रिसीव हुआ है, सही है। तो हम लोग के पास क्या आई? कैश आई, सही है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग 70। कैश आई हम लोग के पास, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू, सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। सो इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फॉर, सो नरेशन लिखेंगे हम इसका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका नरेशन रहेगा टू बीइंग कैश रिसीव फॉर कमीशन, सही है, बीइंग कैश रिसीव फॉर कमीशन, बीइंग कैश रिसीव फॉर कमीशन। अमाउंट कितनी दी है इसकी हम लोग को? 175, सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन सी एंट्री दी हुई है। नेक्स्ट एंट्री दी है उसके बाद हम लोग को 19 पेड सैलरी फॉर सेल्समैन। अभी यहाँ पे क्या किया है? सैलरी मतलब पैसे पेड किए किसको? सेल्समैन को, सही है। सो इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, डेट रहेगी 19, सही है। सो क्या आएगी एंट्री इसकी? जैसे मैंने अभी बताया सैलरी सैलरीज अकाउंट डेबिट, सही है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? कैश अकाउंट। क्या पे किया हम लोग ने? कैश पेड किए टू कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन रहेगा इसका बीइंग सैलरी पेड, सो बीइंग सैलरी पेड paid. Okay, amount कितनी दी देखेंगे हम लोग। अमाउंट दी हुई है इसकी हम लोग को 110, सही है। सो इसकी अमाउंट देखेंगे हम लोग 110, 110. Okay, so after that the next देखेंगे क्या दिया है, कौन सी एंट्री दिए हुए 20 पेड कमीशन। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि कमीशन क्या हो गया? पेड किया है, सही है, जैसे कि मैंने लास्ट के अंदर की थी। सो कमीशन अकाउंट डेबिट, सही है, टू कैश अकाउंट। क्या पेड किया है? कमीशन पेड किया गया है, सही है। सो पिछले एंट्री के अंदर हुआ था कमीशन रिसीव, मतलब पैसे आए थे, अब पैसे क्या किए हम लोगों ने? पेड किए। सो इसकी एंट्री कैसे होगी? देखिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है। सो 20 को लेंगे हम लोग कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या पेड की? कैश, टू कैश अकाउंट, समझ में? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दी गई हम लोग को 50, सो इसके अमाउंट लेंगे हम लोग 50 रुपीज, 50 रुपीज। ओके, देखेंगे इसका हम लोग बीइंग कमीशन पेड और बीइंग कैश पेड फॉर कमीशन, बीइंग, सही है, बीइंग कैश
पेड फॉर क्या दिया भाई कमीशन कमीशन ओके नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है उसके बाद 20 के बाद दिया हुआ है यहाँ पे 25 पेड ऑन अकाउंट टू जीवन अब यहाँ पे क्या होता है कि पेड ऑन अकाउंट टू जीवन मतलब जीवन को क्या अकाउंट में पैसे आए सो जीवन अकाउंट डेबिट क्या मिला उसको पैसे गए और पैसे उसने पेड ऑन अकाउंट टू जीवन सो जीवन अकाउंट डेबिट उसके जीवन के अकाउंट में क्या है पैसे आए टू कैश अकाउंट नरेशन क्या रहेगा बींग कैश पेड इसको पेड किए अकाउंट टू जीवन कौन से अकाउंट में जीवन के अकाउंट में सो जीवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सो इसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले 25 डेट दी हुई है सो क्या दिया है नाम जीवन जीवन अकाउंट डेबिट टू सही है जीवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सो नरेशन देखेंगे हम लोग इसका सबसे पहले बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट टू जीवन टू जीवन अमाउंट कितनी दी इसकी अमाउंट दी गई हम लोग को 2200 सो उसके अमाउंट लिखेंगे हम लोग 2200 ओके उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन से एंट्री दी हुई आफ्टर 25 के बाद को दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम राणा प्रताप सही है रिसीव फ्रॉम राणा प्रताप अब यहाँ पे क्या आई है हम लोग के पास कैश आई है किसके पास से राणा प्रताप के पास से सो कैश अकाउंट डेबिट टू राणा प्रताप अकाउंट ठीक है बहुत ही सिंपल एंट्री है 26 दिया हुआ है सो कैश अकाउंट डेबिट किसके पास से आए टू राणा प्रताप प्रताप अकाउंट कितनी अमाउंट दी हम लोग को कितनी अमाउंट रिसीव हुई है 690 सो देंगे हम लोग यहाँ पे 690 ओके सो इसका नरेशन लिखेंगे हम लोग बीइंग कैश रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम राणा प्रताप बीइंग कैश रिसीव्ड Cash received on account from Rana Pratap. From Rana Pratap. Okay. So 690 cash दी हुई है. उसके बाद next entry देखेंगे कौन सी दी हुई है. After 26, next DIY 27, repaid loan to bank. अभी यहाँ पे क्या बताया है? रिपेड लोन टू बैंक सो बैंक लोन अकाउंट डेबिट अभी क्या किया है रिपेड किया है सो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या पेड किया बैंक को कैश पे किए सो इसकी एंट्री करेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट 27 सही है बैंक लोन अकाउंट डेबिट ये बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू क्या पेड किया है कैश अकाउंट सही है बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सही है अमाउंट दी गई थी हम लोग को यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3400 सो क्या किया उसने रिपेड किया है फिर सो 3400 ओके सो उसको नरेशन देखेंगे हम लोग बीइंग लोन रिपेड जो बताया गया एग्जिस्ट के अंदर एग्जिस्टमेंट के अंदर
मतलब जो एंट्री के अंदर वो यूज़ किया है, इन शॉर्ट हम नरेशन लिखेंगे बीइंग लोन रिपेड, सही है, बीइंग लोन रिपेड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, 27 के बाद, 27 के बाद दिया हुआ है 28, सोल बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 3900। सो सोल कितना सेल किया है बिल्डिंग को, सेल हुआ है 3900 के अंदर। सो हम लोग के पास क्या आए, बिल्डिंग बिल्डिंग हम लोग पास ही गई हो, क्या आए हम लोग के पास से, उसके बाद सेल करने के बाद पैसे आए, सही है। सो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, सही है, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। सो लेट्स सी 28 कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सही है। सो उसका नरेशन देंगे हम लोग, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश। सो नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग सोल्ड और सेल फॉर कैश, ओके। सो अमाउंट दी गई है हम लोग को डायरेक्टली इसकी 1400, सही है। so, कितना बताया गया अमाउंट, 3900। लेट्स सी फर्स्ट चेक, या 3900। सो अमाउंट दी गई हम लोग को 3900, 3900। ओके, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन सी एंट्री दी हुई है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर 28 के बाद 29, रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम राणा प्रताप। अभी यहाँ पे क्या बताया कि रिसीव फ्रॉम राणा, सॉरी, रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम राणा प्रताप, राणा प्रताप से हमें कितने रिसीव हुए हैं, 1400 क्या कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट क्या मिला हम लोग को, कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट किसके पास से, टू राणा प्रताप, समझ में आया। सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, सबसे पहले 29 दिया हुआ है, सही है। सो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सही है, टू राणा प्रताप अकाउंट, सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू राणा प्रताप अकाउंट। कितने रिसीव हुए हम लोग को, 1400। सो यहाँ पे एंट्री करेंगे इसकी हम लोग 1400, ओके 1400। इसका नरेशन लिखेंगे हम लोग, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम राणा प्रताप, बीइंग कैश रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम सॉरी रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम, इसके बाद से रिसीव हम लोग को राणा प्रताप, ओके राणा प्रताप। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन सी एंट्री दी हुई हम लोग को, लास्ट दिया हुआ है पेड कैरेज, सही है, पेड कैरेज फॉर जीवन, सही है, पेड कैरेज फॉर जीवन। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, जीवन अकाउंट डेबिट, क्या पेड किया, टू कैरेज इन कैश, टू कैश अकाउंट। सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, कितने अमाउंट दी हम लोग को, 220। सो लास्ट एंट्री रहेगी, डेट दी हुई 30, जीवन अकाउंट डेबिट, जीवन अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैश,
कैश अकाउंट से टू कैश अकाउंट अमाउंट दी गई थी हम लोग को 220, उसमें पहले अमाउंट लेंगे हम लोग 220. सो इसका नरेशन क्या रहेगा, जैसे नरेशन रहेगा बीइंग कैरिज पेड टू जीवन और बीइंग कैरिज पेड फॉर जीवन. सो बीइंग कैरिज being carriage paid to Jeevan or for Jeevan, सही और for Jeevan, for Jeevan. और Jeevan 220 समझ में आया. सो जैसे कि मैंने कहा था, सो इसके बाद अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे डेबिट साइड से, सेम ही टोटल रहेंगे. सो डेबिट साइड की करके देखेंगे हम लोग, सही है. कितना दिया हुआ है 6000 प्लस कितना 3000 एंड 12000. ओके सो 21000 आया. उसके बाद दिया हुआ है 8000 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 1000 प्लस 6000 प्लस 3000 प्लस 1500. ओके उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कितना दिया हुआ है. तो 1500 के बाद दिया हुआ है हम लोग को 350 प्लस 175 प्लस 110 प्लस 50. उसके बाद 2200. उसके बाद दिया हुआ है 690, सही है. उसके बाद देखेंगे कितना दिया हुआ है. सो 690 के बाद दिया हुआ है हम लोग को प्लस 3400 प्लस 3900 प्लस 1400 एंड द लास्ट वन 220. सो वी विल गेट टोटल हियर 60,995. ओके सो टोटल करेंगे हम लोग यहाँ पे 60,000, सही है, 60,995. सो बोथ साइड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे 60,995. ओके सो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि इसके बाद हम ये प्रॉब्लम के बाद रिवाइज प्रॉब्लम देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन का, ठीक है. सो लेट्स सी डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे क्या है. हेलो एवरीवन, हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब SLM मेथड देखी थी, उसका एग्जांपल देखा था, सही है. और उसी के साथ हम अब आगे का पार्ट लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा रिवाइज करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड किसे कहते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है. और उसके साथ हम आगे के पार्ट की तरफ मतलब हमारे आगे का एग्जांपल जो है स्ट्रेट लाइन मेथड का वो हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स सी. सो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है. जो हम मेथड देखने वाले हैं डिप्रिसिएशन के अंदर जिसके हमें कैलकुलेशन करना है वो ये स्ट्रेट लाइन मेथड SLM मेथड उसे कहते हैं हम. सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं आपको छोटे से इन शॉर्ट बताना चाहूंगा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है. जो अपने हम ही देखा है उसके ऊपर हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. सो इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट के वैल्यू में गिरावट आना, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना, सही है, जो अपने हमने देखा. एक फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ इसके अंदर मैं. सपोज मैंने कार खरीदी है जिसकी वैल्यू आज 5 लाख रुपीज है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 लाख रुपीज होगी. तो क्या हो गया, मुझे हर साल उसके में क्या होगा, 1 लाख रुपीज का लॉस होगा. तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन. समझ में आया. उसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर मोस्टली कंपनी क्या करती है, डिफरेंट मेथड को यूज करती है डिप्रिसिएशन के लिए. और उन एसेट और उसकी एसेट दिन बे दिन क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती है क्योंकि वो यूज करती है मशीनरी, सही है. तब उस वैल्यू में क्या होगी, गिरावट होगी. और जैसे कि अगर हम मशीनरी आज जिस प्राइस में खरीदे हैं आफ्टर 10 इयर्स वो अगर कंपनी ने मशीनरी की प्राइस निकाली तो क्या होगा, आज की जो रेट है और 10 साल का बाद का रेट है उसके अंदर क्या होगा, फर्क दिखेगा, उसकी वैल्यू कम हुई रहेगी, सही है. तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू को डिक्रीज जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमें वो वैल्यू को डिक्रीज करने के बाद शो करना पड़ता है कि कितनी वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई एसेट के अंदर,
सही है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर जो कंपनी में डिफरेंस पोजीशन पे काम करते हैं उसे हमें दिखाना पड़ता है कि कितनी वैल्यू डिक्रीज होती है और क्या उसके डिप्रिसिएशन का रेट है। उसी के साथ जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है कि जो रेट के ऊपर, सपोज मेरी मशीनरी की प्राइस आज 10 लाख रुपीज है, ठीक है, सो और 10 लाख रुपीज के मुझे 10% क्या हुआ वैल्यू डिक्रीज करनी है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा 10 लाख रुपीज के ऊपर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 10 लाख के ऊपर 10%, तो कितना आएगा उसके ऊपर 1 लाख, सही है। सो रिमेनिंग मेरी कितनी बची, 9 लाख रुपीज बची, तो मैं 9 लाख के ऊपर 10% ही करूंगा, लेकिन जो वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली 9 लाख के ऊपर नहीं लेके, जो वैल्यू मेरे ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की, कितनी कॉस्ट है मशीनरी की 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख के ऊपर ही मैं कैलकुलेशन करूंगा। मतलब क्या कि जैसे कि मुझे अभी इस साल 1 लाख का डिप्रिसिएशन हुआ है तो अगले साल भी क्या होगा 1 लाख का ही डिप्रिसिएशन होगा, ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। सपोज मुझे इस साल 100 रुपीज का डिप्रिसिएशन हुआ है तो अगले साल भी 100 रुपीज का ही डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल दूंगा, मैंने जैसी कार खरीदी उसने उस कंपनी ने कहा कि आप जो कार खरीद रहे हो उसकी जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो 10 साल के बाद 1 लाख रुपीज हो जाएगी, सही है। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि हर साल मेरे कितने कम हो गए, 1 लाख रुपीज कम हो गए। सो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर ही आपकी क्या की जाएगी, कॉस्ट कम की जाएगी, सही है। सो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, लेट्स सी। सो ये एग्जाम्पल है जैसे कि मैंने बताया अभी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या किया हुआ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल ऑन एसेट वॉज परचेज ₹50,000 ऑन 1st January 2001 एंड वॉज डिसाइड टू बी डिप्रिशिएट एट 10%, कौन से बेसिस है, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। सो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे किया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमारी जो फिक्स एसेट रहती है, जो फिक्स अमाउंट रहती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं पूरे ईयर के डिप्रिशिएशन जितना दिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए उतना हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, सही है। सो देखेंगे हम लोग इसके अंदर, देखिए इसकी जो परचेस प्राइस थी कितनी है 50,000, जो मशीनरी और जो एसेट परचेस किया उसकी प्राइस है 50,000, सही है। डेट है 1/1/2001, सही है। उन्होंने क्या बताया कि 10% आप इसकी डिप्रिशिएट कीजिए, अगर जितना दिया है प्रॉब्लम के अंदर उतना। एक एग्जांपल है सो बताया गया इसके अंदर कि डिप्रिशिएशन 10% कितना फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए डिप्रिशिएशन चार्ज किया है, मतलब पूरा 1 ईयर के लिए, सही है। सो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 50,000 टोटल कॉस्ट है हमारी मशीनरी की और एसेट की, सही है। उसके ऊपर हमने क्या किया 10% डिप्रिशिएट किया वैल्यू को, सही है। कितना मिला हम लोग को 5,000 आया है यहाँ पे 5,000, मतलब क्या हुआ हमें 2001 का डिप्रिशिएशन जो वैल्यू थी उसके अंदर कितनी परसेंट गिरावट रही वैल्यू के अंदर, उसकी 10% मतलब 5,000। सो हमारी कॉस्ट कितनी बची मशीनरी की फॉर नेक्स्ट ईयर, सो आज के डेट में हमारी कॉस्ट मशीनरी की कॉस्ट और एसेट की कॉस्ट कितनी होगी 45,000, लेकिन हमें क्या करना है फिर से उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर के लिए हमें डिप्रिशिएट करना है। सो डिप्रिशिएट कैसा करेंगे, हमारी जो एसेट जितने में हमने खरीदी थी ये 50,000 में, जो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं उसी के अंदर ये होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या बताया कि जो अपनी एसेट ओरिजिनल कॉस्ट है उसी अमाउंट के ऊपर आपको हर साल वैल्यू डिप्रिशिएट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फिर से मैं क्या करूंगा 50,000 पे 50,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करूंगा, सही है। कितना मिला मुझे देख सकते हैं यहाँ पे 50,000, सही है। 10% मैंने क्या किया उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, सो कितना आया फिर से 5,000, समझ में आया। सो 40 मेरी अभी वैल्यू कितनी थी मशीनरी की 2002 के अंदर 45,000, सो उसमें से 5,000 गए, बच्चे कितने मेरे पास 40,000। सो अगर मुझे ये भी कैलकुलेट करना है 2003 के लिए सपोज, तो मैं क्या करूंगा 50,000 के ऊपर ही फिर से 10% लूंगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 5,000। सो मेन मशीनरी की प्राइस फॉर 2004 के लिए कितनी होती 35,000, समझ में आया। एक एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसके एडवांटेजेस स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या दिया हुआ है, इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, ईयर बाय ईयर उसको हमें कैलकुलेट करना है सेम रेट के ऊपर। बाद में दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन इज इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सही है।
बहुत ही इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। पता चलता है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद में है सेम अमाउंट टू बी चार्ज ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कि अभी अमित ने ली 50,000 की कॉस्ट है उस मशीनरी की, तो 50,000 के ऊपर अगर 10% दिया हुआ है तो वही 50,000 जितने साल के लिए हमें कैलकुलेट करना है वही हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में दिया हुआ है डिसएडवांटेजेस। क्या दिया हुआ है? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऑफ एस्टिमेट लाइफ ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एसेट। ठीक है, हमें देखना कि उसका डिफिकल्ट होगा एस्टिमेट करना कि कितने एसेट हम कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है इट इज अ न्यू एसेट्स ऑफ द सेम टाइप इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज क्रिएट डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। जैसे कि देखिए, मैंने अगर 2002 के अंदर जब स्टार्ट करता हूं मैं 10 लाख की मशीनरी लेता हूँ और उसी के साथ उसी डेट के अंदर मैं सेम मशीनरी परचेज की, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर मुझे डिफिकल्ट होगा कि एक साथ दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना। अगर एक मशीनरी है एक एसेट है तो एक के ऊपर मैं कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करके उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर दो एसेट रहेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। ये है इसका डिसएडवांटेजेस। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हम स्ट्रेट लाइन मेथड का, जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। सो हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन मेथड का। देखिए क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम, डिलिमिटेड परचेस वन मशीनरी। डिलिमिटेड एक जो कंपनी है उसने क्या किया, एक मशीनरी परचेस की है जिसकी कॉस्ट है ₹4 लाख एंड स्पेंड उसके ऊपर कितने स्पेंड किए, 1 लाख। क्या क्या के लिए स्पेंड किए? ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। देखिए मैंने जैसे कि आपको कल बताया था जब हमने लेक्चर हुआ था कि हम जब मशीनरी परचेस करते हैं हम क्या करेंगे, इजीली पैसे पे करेंगे, मशीनरी लेंगे, लेकिन मशीनरी के साथ हमें क्या स्पेंड करना पड़ा उसके ऊपर, ₹1 लाख एक्स्ट्रा। क्यों हमने स्पेंड किया? बिकॉज ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। समझ में आया? सो मशीनरी 4 लाख की थी उसके ऊपर 1 लाख हमने क्या किया, स्पेंड किया फॉर इंस्टॉलेशन। उसके बाद क्या बताया गया है, द मशीनरी इज सोल्ड फॉर ₹3,60,000। कितने में उसने सोल्ड की? उसके बाद 3,60,000 में क्या की, सोल्ड की। लेकिन उसके बाद क्या बताया गया कि डिप्रिसिएशन इज प्रोविडेड एट 10% पर एनम। तो उसने क्या किया, 10% पर एनम क्या किया उसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकाला है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सो अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। कभी बताया क्लोज होगा अकाउंट 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। सो डेट ऑफ परचेज दिए उन्होंने 1/4/2007, सही है। उसके बाद दिया हुआ है टोटल दूसरी दी है 1/4/2007, नेक्स्ट दिया है 1/7/2007 एंड द लास्ट वन इज 1/7/2007। उसी के साथ डेट ऑफ सेल दिए, कब कब सेल किए, 31/3/2010, 31/9/2009, 31/3/2010 और 30/9/2009। हमें देखना है वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वर्किंग नोट जो कैलकुलेशन दिया हुआ है, देखिए मशीनरी की क्रॉस कितनी कॉस्ट थी, टोटल 4 लाख और उसके ऊपर स्पेंड किए थे हमने 1 लाख, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी मशीनरी की, यहाँ पे 5 लाख रुपीज, सही है। सो टोटल कॉस्ट है मशीनरी की 5 लाख। समझ में आया यहाँ तक? सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी होगी, 5 लाख। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब हम मशीनरी खरीदते हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकालेंगे। सो टोटल आ गया इसका 5 लाख रुपीज। उसके बाद में क्या बताया गया, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है डिप्रिसिएशन हमें, 10% पर एनम। उसके ऊपर हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 10% निकालना है आपको, सही है। सो मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आएगा अमाउंट इसका, 50,000। आइए यहाँ पे, सो 31/3/2008 एक ईयर के बाद उसकी हमें कितने डिप्रिशिएट हुआ उसकी अमाउंट, उसके अंदर 50,000 रुपीज, सही है। सो हमें कितना मिला उसके बाद WDV, सो 4,50,000। समझ में आया था कि हमें कितना आया उसके बाद, 4,50,000। एक अब का है 1/4/2008 का। लेकिन उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि हमें नेक्स्ट ईयर का भी डिप्रिशिएट कैलकुलेट करना है, एक साल का पूरा, सही है। सो हम क्या करेंगे, हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के अंदर बताया था अभी कि हम लोग की टोटल कॉस्ट 5 लाख है, तो 5 लाख के ऊपर हम क्या करेंगे, डिप्रिशिएट फिर से करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10%, सेम ही है, ठीक है। कितना आएगा उसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, हाउ मच यू विल गेट, 50,000 अगेन। ओके, समझ में आया? तो कितना आया इसका नेक्स्ट ईयर का भी डिप्रिसिएशन, 50,000। सो पहला हम लोग का कितना बजट था, हम लोग को उसके बाद आया था 5 लाख और उसके हमने क्या किया, डिप्रिशिएट लेस किया 50,000, हम लोग का बचा 4,50,000। फिर से हमने क्या किया उसके ऊपर डिप्रिशिएट की वो अमाउंट कितने आया, 50,000 ही आया था, सही है। सो कितने मिले हम लोग को अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर, 4 लाख। आइए देखिए 1/4/2009
कितनी आई अमाउंट यहाँ पे हम लोग की 4 लाख। उसके ऊपर क्या बताया गया आपको कि फिर से डिप्रिशिएट करना है 31st 3 2010 के, डिप्रिशिएट करना है कितना 50,000। सो 50,000 का ऊपर कैलकुलेट करेंगे हमारी ओरिजिनल कॉस्ट जो 5 लाख रुपीज यहाँ पे दी हुई है, सही है। सो 5 लाख के ऊपर क्या आएगा फिर से 50,000, सही है। सो माइनस 450,000 कितना आया 3,50,000, सही है। समझ में आया तक, देखिए नीचे आया है 3,50,000। उसके बाद में क्या बताया उन्होंने कि आपको वो मशीनरी जो थी द मशीन इज सोल्ड फॉर ₹3,60,000। कितने में सोल्ड हुई थी 3,60,000 में वो मशीनरी क्या हुई थी सोल्ड हुई थी। सो सेल किया हम लोगों ने 3,60,000 में, यहाँ तक उसकी डिप्रिशिएट थी उस ईयर के अंदर 3,50,000 और हमने बेची 3,60,000 के अंदर, सही है। मतलब हमें 10,000 क्या हुआ उसके ऊपर जो हमने सेल किया उसके ऊपर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया उसका 10,000। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो मशीनरी बेचनी चाहिए थी उस टाइम पे 3,50,000 के अंदर जो उसकी कॉस्ट थी डिप्रिशिएट होने के बाद, लेकिन हमने सेल की यहाँ पे 3,60,000 में, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया हम लोग का यहाँ पे 10,000, ओके। सो उसके बाद हम देखने वाले वन बाय वन कैलकुलेशन दिया हुआ है इसके बाद। सी सबसे पहले आएगा 1/4/2007 मशीनरी की कॉस्ट जो 5 लाख रुपीज थी। देखिए इसके बाद का कैलकुलेशन है, मतलब जो ऊपर हमें दिया हुआ है वन बाय वन कैलकुलेशन डेट ऑफ परचेस और डेट ऑफ सेल उसके बीच का हमें कैलकुलेशन करके दिखाना है यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी है यहाँ पे 5 लाख रुपीज, सही है। सो मैंने क्या किया कॉस्ट ऑफ मशीनरी 5 लाख रुपीज दिया फिर से मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट डिप्रिशिएशन है उसके ऊपर 10%। सो 10% डिप्रिशिएशन है, सही है। आएगा उसका कितना 50,000, मतलब कितना बचा हम लोग का 1/4/2008 के लिए 4,50,000। सो 1/4/2008 उस टाइम पे हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी अभी 4,50,000, सही है 4,50,000। उसके बाद क्या बताया आपने कि 31st 3 2009, देखिए ऊपर 31st 3 2009 को क्या हो गया उसकी मशीनरी फिर से उसने क्या किया था सोल्ड किया था, सही है। सो उसके अंदर हम लोग देखेंगे डिप्रिशिएट निकाल के उसका 31st 3 2009 फिर से अमाउंट क्या होगी उसके अंदर डिप्रिशिएट हुई, सही है। सो हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमने फर्स्ट अपॉन इसका डिप्रिशिएशन निकाला, उसके बाद 31st 3 2009 वो हमें क्या करना है पहले डिप्रिशिएट करना है अमाउंट, क्यों, क्योंकि एक साथ उन्हें बताया गया कि आपको 2009 का भी डिप्रिशिएट अमाउंट दिया गया है जो हमने ऊपर वर्किंग नोट के अंदर किया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सही है। सो 1/4/2008 के बाद 31st 3 2009 का क्या है डिप्रिशिएट अमाउंट है कितना 50,000। सो उसके हिसाब से ही हमें करना है अभी। सो 31st 3 2009 का डिप्रिशिएट अमाउंट कितना है यहाँ पे 50,000 है, सही है। सो 4,50,000 माइनस 50,000 कैसे आए पता है आपको, मैंने दिखाया था अभी कैलकुलेशन के अंदर कि 5 लाख के ऊपर ही जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर ही हमने क्या किया उसका कैलकुलेशन किया। सो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आया यहाँ पे 50,000। सो आया कितना आंसर हमारा 4 लाख, समझ में आया तक। उसके बाद में सो उसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे डिप्रिशिएट हुई अमाउंट, सही है, जब 4 लाख आया था, सही है। 1/4/2009 को हमने वर्किंग नोट के अंदर भी लिखे डिप्रिशिएट किया है इसको 1/4/2009 4 लाख आया है, सही है। मतलब क्या किया हम लोग ने 50,000 का डिप्रिशिएट करने के बाद, सही है। सो उसी डेट के लिए हमें क्या कहा गया है कि आपकी जो मशीनरी है, सही है, कौन सी मशीनरी की 39/2009 को, सो उसी ईयर में क्या हुई है सेल हुई है, लेकिन हमने उसको कब उसके ऊपर लास्ट डिप्रेशन निकाला था और WDV मेथड था हम लोग का 1/4/2009 को, सही है। सो उसके बाद हमने कितना महीना उसको यूज किया 1/4 से लेके 6 मंथ, सही है। 1/4 से लेके कहाँ तक यूज किया उसको 39 तक, सही है। मतलब हमने क्या किया उसको 6 मंथ यूज किया, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर 6 मंथ का डिप्रिशिएट वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था उसको सेल किया था, सही है। सो डिप्रिशिएट वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर भी दिया हुआ है हम लोग क्या डिप्रिशिएट था पर ईयर 50,000 स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डिवाइड बाय हमने साल के महीने कितने होते हैं 12, से 12 मंथ्स के लिए निकालेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय अभी हमें क्या करना है उसको 6 मंथ्स के लिए निकालना है, क्योंकि हमने क्या किया वो मशीनरी सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया, सही है। सो कितना आएगा उसके ऊपर 25,000, समझ में आया मैंने कैसे किया। देखिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हम लोग को जब WDV मेथड हमने कैलकुलेशन किया हम लोग का 4 लाख आया था, उसके बाद में क्या हुआ जब 4 लाख आने के बाद हम लोग यहाँ पे 50,000 देते थे, सो एज इट इज आएगा 50,000 डिवाइड बाय 12 ईयर ऑफ मंथ, सही है। मल्टीप्लाई हमने कितने साल यूज सॉरी कितने महीने यूज किया ओनली 6 मंथ्स यूज किया, सो 50,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 हाउ मच यू विल गेट अमाउंट हियर 25,000, अंडरस्टैंड। सो कितना आएगा हम लोग को यहाँ पे 25,000, सो
देखिए यहाँ पे डिप्रिशिएशन अमाउंट 4 लाख माइनस 25,000 कितना आया 3,75,000 WDV ओके आया समझ में यहाँ पे। उसके बाद क्या बताया उन्होंने कि हमने ये करने के बाद वो जो सेल की थी सही एसेट जो हमने सेल की उसी ईयर में कितने में सेल की थी जो बॉलम के अंदर हमें दिया हुआ है 3,60,000 के अंदर हमने वो एसेट सेल की थी तो हमें फिर से उस ईयर के अंदर दिखाना होगा जो हमने कैलकुलेशन किए। देखिए सो सेल लॉस सेल ऑफ एसेट 3,60,000 और हमें कितना यहाँ पे आया था यहाँ पे 3,75,000 उस मशीनरी की कॉस्ट थी और हमने बेचा 3,60,000 के अंदर। सो इसमें हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है क्या नहीं इसमें हमें क्या हुआ लॉस हुआ। सो लेस कितना आएगा यहाँ पे अमाउंट 3,60,000 माइनस सही है सो 50,000 का क्या हुआ हमें यहाँ पे लॉस हुआ। सो लॉस ऑन सेल कितने अमाउंट है 15,000। देखिए फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ मैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी इसकी 5 लाख रुपीज हमने डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर से 50,000 आया सही है। उसके बाद में हमने क्या किया फिर से उसके ऊपर डिप्रिशिएशन निकाला जो पूरा ईयर के लिए दिया हुआ है हम लोग को 8 से लेकर 9 तक फिर से 50,000 आया अमाउंट कितनी मिली हम लोग को 4 लाख मिली। उसके बाद में क्या बताया गया था क्वेश्चन के अंदर कि हमने वो जो एसेट थी वो कितने महीने यूज की थी सिर्फ यहाँ से 1/4/9 से लेकर 30/9/2009 तक मतलब हमने सिर्फ 6 मंथ यूज की। तो अगर मैंने 6 मंथ यूज की तो मैं उसको 1 साल का डिप्रेशन भरूंगा क्या 1 साल का डिप्रेशन उसके ऊपर चार्ज होगा क्या नहीं होगा सही है। सो कितने मंथ का डिप्रेशन चार्ज हुआ ओनली 6 मंथ जितना मैंने यूज किया उतना ही डिप्रेशन चार्ज हुआ और उसके हिसाब से मैंने क्या किया उसको डिप्रेशन दे दिया और उसकी अब मशीनरी की कॉस्ट कितनी बची थी उसी ईयर में 3,75,000 और मैंने जब सेल की मशीनरी तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी उस टाइम पे 3,75,000 थी लेकिन सेल हुई 3,60,000 के अंदर मतलब क्या हो गया मुझे उस एसेट पे उस मशीनरी पे मुझे क्या हुआ लॉस हुआ समझ में आया। ये है 15,000 जो मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आ रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं फोन करके ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए क्या दिया हुआ है 1/7/2007 का कैलकुलेशन है सही है। हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए पहले फर्स्ट स्टेप के लिए कैलकुलेशन था जो दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर उसके बाद में सेकंड स्टेप अब थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर देखिए 1/7/2007 को डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है सही है। सो डेट ऑफ परचेज थी हम लोग की उसी टाइम पे हमारी कितनी अमाउंट थी 4+1 मतलब जो थर्ड दिए हुई थर्ड स्टेप के अंदर अमाउंट है वो भी सेम होगी क्योंकि हमने मशीनरी जब परचेज किए थे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम अगर मशीनरी परचेज करते हैं सेम अमाउंट के ऊपर तो हर साल वही अमाउंट के ऊपर हम क्या करते हैं डिप्रिशिएट कैलकुलेट करते हैं सही है। सो 5 लाख आएंगी टोटल मशीनरी कॉस्ट देखिए मैंने लिया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी फिर से आई है 5 लाख। उसके बाद में क्या बताया गया है कि आपने जब मशीनरी सेल की तो उस टाइम पे जो डेट दी हुई हमको सो डिप्रिशिएशन करने के बाद 31/3/2008 सही है। मैंने क्या की उसी टाइम पे मैंने वो जो मशीनरी दी हुई 2008 के टाइम पे वो मैं सेल कर रहा हूँ विद डिप्रिशिएट निकाल रहा हूँ सही है दूसरी ईयर के लिए लेकिन मैं डिप्रिशिएशन कितना निकालूंगा 50,000 निकालूंगा क्या नहीं क्योंकि मैंने क्या किया है जो वो मशीनरी जो दी हुई है मुझे थर्ड स्टेप के अंदर वो 1/7/2007 को मैंने परचेज किए मतलब 1/7 को और मैंने डिप्रिशिएशन यहाँ पे देते हुए 50,000 का दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप के अंदर सही है बिकॉज ऑफ ये 12 मंथ का कैलकुलेशन है। लेकिन जब मैं थर्ड स्टेप के लिए कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे 31/3/2008 तक ही डिप्रिशिएशन देना है मतलब कितना 9 मंथ्स के लिए सही है 1/7 से लेकर 31/3 तक। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा इसका देखिए मैं टोटल कॉस्ट थी मशीनरी की 5 लाख रुपीज सही है उसके ऊपर मैंने क्या किया 9 मंथ उसको यूज किया 9 मंथ यूज किया डिवाइड बाय 12 ईयर ऑफ मंथ सही है। सो जब मैं इसको यूज करूंगा टोटल तो मुझे टोटल आंसर मिलना चाहिए इसके ऊपर 37,500। देखिए मैं आपको इसको कैलकुलेट करके भी बता रहा हूँ कि कैसे आता है इसका कैलकुलेशन सी ईयर कि हमने सबसे पहले क्या किया हम लोग की जो मशीनरी 5 लाख की उसके ऊपर हम हर साल डिप्रिशिएट करते 10% से लेके सही है। सो वो अमाउंट आती 50,000 लेकिन मैं अगर 9 मंथ यूज करता हूँ तो मुझे सिर्फ 9 मंथ का ही डिप्रिशिएशन चार्ज लगेगा सही है। सो मैं क्या करूंगा 50,000 मेरे टोटल अमाउंट है डिप्रिशिएशन की डिवाइडेड बाय 12 सही है मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा हम लोग का 9 मंथ्स तो कितना आंसर आता है यहाँ पे 37,500 समझ में आया। देखिए यहाँ पे आया है आंसर 37,500। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि मेरी टोटल कॉस्ट है 5 लाख रुपीज
सो मैं अब डिप्रिशिएशन अमाउंट लेस करूंगा 37,500. हाउ मच यू विल गेट? 4,62,500. आइए यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4,62,500 ये डिप्रिशिएट अमाउंट है 31st 2009 के लिए. उसके बाद में क्या बताया गया प्रॉब्लम के अंदर हमें, कि वो मशीनरी यूज होने के बाद जब मैं 1/4/2008 से लेके 31st 3/2009 तक फिर से डिप्रिशिएट, अगर डिप्रिशिएट अमाउंट हो रही है, उसका अमाउंट डिप्रिशिएशन हो रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, 31st 3 से लेके 2009 तक पूरा ईयर का भी डिप्रिशिएट निकालूंगा. सो पूरा ईयर का हमें कितना मिलता है, 10%. सही है. सो पूरा ईयर का कितना रहेगा हमारा, 10% से हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो मेन अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट जिसे हम कहते हैं 5,00,000 रुपीज, उसके ऊपर ही निकालेंगे. सही है, मल्टीप्लाई बाय 10 जैसे हम करते आए हैं. 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, सो हाउ मच यू विल गेट, 50,000. समझ में आया? सो हमें फिर से क्या मिली, 50,000 मिली. लेकिन अभी हमने यहाँ पे 37,500 लेस किए थे बिकॉज ऑफ हमें 9 मंथ यूज किए. सो 4,62,500 उसकी कॉस्ट है 1/4/2008 के लिए, और मैंने फिर से एक साल यूज की उसके बाद. तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से जो मेरी टोटल कॉस्ट दी हुई है 4,62,500 माइनस कितना करूंगा, 50,000, क्योंकि मैंने उसके बाद एक साल यूज की. तो अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई, 4,12,500. सही है. वो उसके बाद क्या बताया कि ईयर थ्री के लिए आप जब डिप्रिशिएट करोगे तो कितने के लिए करोगे, देखिए 1/4 से लेके 31st 3/2010 तक, मतलब यहाँ पे भी मैंने क्या की, पूरा 1 ईयर उसको यूज किया. जो डिप्रिशिएशन अमाउंट दी हुई उसको क्या किया, पूरा 1 ईयर यूज किया. सो सेम एज इट इज आएगा, कितने बजे थे मेरे अमाउंट, 4,12,500 माइनस 5 लाख के ऊपर 10%, मतलब पूरा ईयर के लिए. इसलिए सो कितना आता है, 50,000. हाउ मच यू विल गेट, 3,62,500. एक हिसाब से लिंक करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर. देखिए 4,12,500 था, उसके बाद 50,000 डिप्रिशिएट हुआ अमाउंट, मेरा अमाउंट कितना बचा, 3,62,500. और उसके बाद में मैंने वो मशीनरी जो है प्रॉब्लम के अंदर हिसाब से मैंने सेल कब की थी उसको, 3,60,000 के अंदर. सही है. सो मेरी अभी मशीनरी की फिलहाल जो कॉस्ट है 3,62,500, उसके हिसाब से मुझे उतने ही मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे मिले कितने मैंने सेल करने के बाद, 3,60,000. सही है. सो 3,60,000 मुझे मिले, मेरी मशीनरी की कॉस्ट है 3,62,500. सो मुझे कितने का लॉस हुआ यहाँ पे, 2,500 का क्या हुआ मुझे यहाँ पे लॉस हुआ. सो लॉस ऑन सेल, सही है, कितना आया मेरे को फिर से, 2,500. समझ में आया. सो नेक्स्ट देखेंगे जो लास्ट स्टेप दिए प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या दिया है, 1/7/2007 का डेट ऑफ परचेस अगेन. सो क्या करेंगे हम लोग, सेम कॉस्ट लेंगे 5,00,000 रुपीज. ओके, स्टेप नंबर 4 के लिए 1/7/2007 कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, 5 लाख. उसके बाद में क्या बताया गया हमें कि वो कॉस्ट लेने के बाद सेम एज इट इज हमें कैलकुलेशन करना है कि 1/7 को लिया तो उसी मंथ का आ रहा है. तो उसके बाद मैंने जब डिप्रिशिएट किया कितने के लिए किया था, 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि सेम डेट है. सही है. सो 1/4/2007 से लेके 31st 3/2008 तक सेम कैश के लिए मैंने क्या किया, उसका कैलकुलेशन किया. सो कितना अमाउंट आया मुझे यहाँ पे, 50,000. तो फिर से मैं उसके अंदर से लेस करूंगा उसको, कितना दिया हुआ टोटल मुझे, अमाउंट दिए मुझे यहाँ पे 5 लाख माइनस सेम 9 मंथ्स के लिए यूज है 4,62,500 आया है. उसके बाद में क्या बताया उन्होंने कि सेम डिप्रिशिएशन उन्होंने यूज किया है फॉर पूरा ईयर के लिए, जैसे कि हमने ऊपर के किया था. एक ही डेट के अंदर दोनों दो परचेज दिखाई है, और परचेज दिखाने के बाद अमाउंट चेंज नहीं किए, सेम मशीनरी कॉस्ट ही रखे, इसलिए हमारे इसके अंदर अमाउंट चेंज नहीं हुए. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था एक डिसएडवांटेजेस, कि अगर हम दो मशीनरी एक ही साथ परचेस करते हैं और उसकी अगर डेट अलग अलग होगी, सही है, तो क्या होता है, उसका कैलकुलेशन करने के थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. सही है. लेकिन एक ही मशीनरी परचेस की है, उसकी अमाउंट भी क्या है, सेम ही है, तो एक साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो फिर से आएगा 4,62,500. सही है. माइनस कितना दिया हुआ है, 50,000. कितना आया, 4,12,500. और उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ सेल दिया हुआ है हमको लास्ट में, कितना है, 39/2009. अभी ये यहाँ पे पूरा ईयर के लिए यूज किया था. सही है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो उनके अमाउंट दी हुई है उसके हिसाब से कितना था, 1/4/2009 से लेके 39/2009 तक. सही है. मतलब क्या कि 30/9/2009 तक उन्होंने क्या की, उसको सिर्फ यूज किया. सो उसका डिप्रिशिएशन हम निकालेंगे. सही है. सो कितना यूज किया, 4 से लेके 9 तक. आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिर्फ 4 से लेके 9 तक कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स. सो
हम लोग उसके कैलकुलेशन करेंगे पर ईयर का 50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, हाउ मच विल गेट 25,000, सही है। सो हम लोग को कितना अमाउंट बची थी अभी 4,12,500 माइनस 25,000, हाउ मच विल गेट टोटल आंसर 3,87,500 आया है। और उसके बाद हमने क्या किया था, वो जो मशीनरी है 3,60,000 में सेल की थी। सो यहाँ पे भी हमें क्या देखने मिला, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमें इसके अंदर भी क्या हुआ है, लॉस ही हुआ है, सही है। सो 3,60,000, तो उसी समय मेरी उस ईयर में कितनी टोटल कॉस्ट थी मशीनरी की, 3,87,500, सही है। लेकिन मुझे मैंने सेल कितने में की थी उस टाइम पे मशीनरी, 3,60,000 के अंदर, सही है। तो मुझे कितने का लॉस हुआ, देखिए मेरी जो कॉस्ट थी उस समय में 3,87,500 थी 2009 के अंदर, सही है। और मैंने सेल की उसी टाइम में 3,60,000 के अंदर, तो मुझे उसी ईयर में भी क्या हुआ, उस मशीनरी के ऊपर लॉस हुआ, क्योंकि मुझे इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी 3,87,500। लेकिन डिप्रिशिएशन करने के बाद भी मुझे जो सेल किया महीने बाद उस ये सब पूरे ईयर होने के बाद, तो मुझे उतना ही उसके अंदर लॉस हुआ, सही है। तो ये होता है डिप्रिशिएशन के, हमें पता चलता है कि हमने अगर मशीनरी जो यूज कर रहे, जैसे कि हमारे पॉइंट के अंदर कल आया था कि डिप्रिशिएशन की वजह से क्या फायदा होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या हमें फायदा होगा उसके अंदर, कि हमें एग्जैक्ट पता चलती है कि उस एसेट की वैल्यू कितनी है डिप्रिशिएट होने के बाद, ठीक है। सो यही हमें इसके अंदर आंसर दिखाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है इसके अंदर, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सही है। सो नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, उसके बाद क्या दिया, परचेस प्राइस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेस एंड इंस्टॉलेशन, एस्टिमेटेड रेसिडेंटल वैल्यू, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ईयर्स, ये टोटल दिया हुआ है हमको। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर टोटल कॉस्ट निकालनी है, सही है। सो कॉस्ट ऑफ एसेट, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसके ऊपर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, जैसे कि मैंने कल आपको प्रॉब्लम के अंदर बताया था कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, कॉस्ट। अगर हमारी कॉस्ट के ऊपर से क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे ईयर में आने वाला डिप्रिशिएशन कितना होगा, हमें कितना आगे जाके फायदा होगा, या हमारी स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होगी, या हम जो एसेट यूज कर रहे वो अगर यूजफुल कितने समय तक हम यूज कर सकते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर कॉस्ट। सो वही दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू परचेस प्राइस, सही है। सो परचेस प्राइस क्या दी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल 2,40,000 जो यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर हमें दिख रही है, उसके बाद प्लस एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेस एंड इंस्टॉलेशन। सो क्या है इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसकी, 80,000। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले प्रॉब्लम के अंदर भी बताया मैंने कि जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके ऊपर हमें क्या होता है इंस्टॉलेशन जो चार्जेस है वो मिला के हमें क्या होती है टोटल कॉस्ट, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं डेप्रिशिएट कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल से जो कैलकुलेशन किया है, सबसे पहले देखिए इन फोर स्टेप के अंदर 2,40,000 परचेस प्राइस प्लस क्या दिया हुआ है एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेस एंड इंस्टॉलेशन। सो 2,40,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 3,20,000। देखिए मैं वो कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, 2,40,000 प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 80,000, हाउ मच विल गेट टोटल 3,20,000 आया है यहाँ पे। उसके बाद में क्या दिया है सेकेंड स्टेप के लिए परचेस प्राइस कितनी है 68,000। सो 68,000 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट है मेरी 12,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई मुझे 80,000 आया है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड 1,80,000 प्लस कितना दिया इंस्टॉलेशन कॉस्ट 20,000, टोटल कॉस्ट आएंगे मेरी 2,00,000, सही है। सो उसके बाद दिया हुआ 8,00,000 प्लस 2,00,000 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ टोटल कॉस्ट मेरी 10,00,000। सो समझ में आया मुझे, ये देखिए मैं इसका बता देगा क्या है रिजल्ट, कि परचेस प्राइस प्लस हमारी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है परचेस प्राइस परचेस होने के बाद, तो हमने क्या किया दोनों के ऊपर हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो क्या होता है इसके ऊपर डिप्रिशिएशन निकलता है, सही है। सो अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन एक फॉर्मूला दिया हुआ है इसके बाद कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमारी जो अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हम कैसे करते हैं कि ठीक है हमें एसेट लिया तो हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना डिक्रीज करना है, इसकी अमाउंट कितना डिप्रिशिएट करना है। मैं बोलूंगा मेरा मोबाइल 5,00,000 का है, इसके ऊपर 50% डिक्रीज करके आप बेच दो या मैं बेचूंगा तो मुझे क्या होगा उसके अंदर लॉस होगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जो अमाउंट है उसकी वैल्यू अभी मार्केट में कितनी है डिप्रिशिएट होने के बाद भी। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम देखेंगे इसके अंदर
कि अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, मतलब हमारी क्या होगी टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या होगा, सिर्फ परचेस प्राइस क्या, नहीं, मैंने क्या किया जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कॉस्ट के अंदर परचेस प्राइस और इंस्टॉलेशन का होता है, दोनों मिला के जो टोटल कॉस्ट निकलती है उसे हम कहेंगे हमारी कॉस्ट, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, माइनस रेसिडुअल वैल्यू। सो रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने कल बताया आपको कि हमारी रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू जिसे कहते हैं वो कितनी होगी, उसके बाद सो उसके बाद क्या दिया हुआ, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यूज ऑफ लाइफ, मैं कितने साल उसको यूज करने वाला था वो लाइफ को, और उसके बाद मतलब जो दी हुई प्रोडक्ट है जो मशीनरी उसको कितने साल यूज करने वाला था, और उसके बाद मैं डिप्रिशिएट वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करूंगा उसका मैंने क्या किया यहाँ पे दिखाया है आपको। देखिए कैसे दिखाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरी परचेस प्राइस कितनी है 240,000 और एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेसेस इंस्टॉलेशन, मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कितनी दी हुई यहाँ पे 80,000, सही है। सो 240,000 + 80 जैसे हमने देखा 320,000 आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हम लोग जब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो टोटल सिर्फ परचेस प्राइस के ऊपर ही नहीं, हम पूरे मशीनरी के ऊपर मतलब इंस्टॉलेशन तक जितना खर्चा होगा उसके ऊपर हम क्या करते हैं चार्ज करते हैं, सही है। सो मेरा कॉस्ट कितनी है 320,000। उसके बाद में रेसिडुअल वैल्यू, ये भी प्रॉब्लम में हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 1,60,000, इसका मतलब क्या होता है हमारा टोटल स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, कितना यूजफुल लाइफ है यहाँ पे 4 दिया हुआ, सही है। देखिए इजी कैलकुलेशन है, सो 320,000 टोटल कॉस्ट माइनस 1,60,000 रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, सिर्फ हमें क्या करना है इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है अमाउंट, देखिए सो कितना आएगा आंसर 320,000, सही है, माइनस कितना दिया 1,60,000, ओके, डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ यहाँ पे 4, कितना आया 40,000, देख सकते हैं आया आंसर 40,000, बहुत ही इजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट है हम लोग की 80,000, सही है। उसके बाद दिया हुआ है तो 80,000 के बाद माइनस, सही है, क्या दिया हुआ है माइनस हमारा एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना है 8,000, सो 8,000 है डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ इयर्स कितना है 10, सो कितनी अमाउंट मिली हमें 7,200 नंबर सेकंड के लिए। अभी नंबर थ्री का कैलकुलेशन है 1,80,000 + 20,000 मतलब टोटल आएंगे इसके 2,00,000, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू दिए 40,000, सो हम क्या माइनस करेंगे इसमें से 40,000, कितना मिला हम लोग को 1,60,000, नंबर ऑफ ईयर कितना है, नंबर ऑफ ईयर है 10 डिवाइडेड बाय 10, कितना आया 16,000। सो उस टाइम की जो अमाउंट डिप्रिसिएशन कितनी होगी 16,000। उसके बाद में लास्ट वन दिया हुआ है कितना है हम लोग का 8,00,000 मशीनरी कॉस्ट प्लस 2,00,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस का खर्चा आया था, टोटल हुआ थी हम लोग की 10,00,000 की एसेट, उसमें से क्या हुआ एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू हमने लेस किया, लेस 1,00,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितना है 5 years उसको यूज करना था हमें, तो हुआ 1,80,000, सो इसकी डिप्रिशिएट वैल्यू हुई 1,80,000, समझ में आया, बहुत ही इजी कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, अभी उसका फॉर्मूला क्या दिया है देखो, अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन मतलब जो हमने अमाउंट अभी जो अमाउंट है वो हमने जो कैलकुलेट की, सही है, वो लेंगे हम लोग अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट मतलब कौन सी ये ऊपर दी हुई 3,20,000 परचेस प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसे कहते हैं हम टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी सिंपल कैलकुलेशन है बहुत, हमारी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितनी दी हुई है 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो फॉर्मूले दिया है उसके हिसाब से हम अमाउंट पुट करेंगे। सो फर्स्ट आंसर आया इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 12.5%। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट की कि हमारी अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी अगर हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं, मतलब क्या स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद, उसके बाद हमने कितना परसेंट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसका रेट क्या होगा, वो रेट दिया हमने कैसे कैलकुलेट, उसका भी सब दिया हुआ है। सो 12.5% से हम कैलकुलेशन करेंगे, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट है 7,200, सही है, 7,200 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया आंसर 9%। सो सेकेंड की जो हमारी कॉस्ट थी वो कितनी थी
9% ऑफ डिप्रिशिएशन, जैसे कहते हैं ना एट द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कैलकुलेट कीजिए, सो 9%। उसके बाद नंबर थ्री, नंबर थ्री के लिए क्या दिया हुआ है हम लोग को देखेंगे, हम लोग 16,000 दी हुई है इसकी, सही है, अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, सो 16,000 उसके बाद दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसेट, कितने दिए हुए हम लोग को 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया रेट ऑफ डिप्रिशिएशन हम लोग का 8 आया है यहाँ पे 8%। उसके बाद लास्ट वन, लास्ट वन क्या दिया हुआ है हम लोग का 1,80,000 है, सही है, सो 1,80,000 अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, 1,80,000 अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी हम लोग की 10 लाख, सही है, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 100, कितनी मिली हम लोग को 18%। सो ये क्या होगी हमारी रेट ऑफ डिप्रिशिएशन फॉर लास्ट फोर्थ के लिए कितना आएगा 18%। सो कितने आए इसके आंसर 18%, सही है, सो 18% हमने आंसर इसका कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम क्या होता है खत्म होता है, ठीक है। सो कुछ नोटिस दे रहा हूँ उसके बारे में कि जो लोगों ने अभी तक मुझे असाइनमेंट सेंड नहीं किए वो जल्द से जल्द मुझे असाइनमेंट सेंड कीजिए, ठीक है, आपकी एग्जाम होने वाली है तो एग्जाम से पहले मुझे असाइनमेंट सेंड कीजिए, और आपको अभी एग्जाम जो है एमसीक्यू के ऊपर रहेगी, ठीक है। सो आपने आपको जो मैं नोट्स भेजूंगा उसको भी स्टडी कीजिए, और जो चैप्टर्स है उसके ऊपर आपकी क्या रहेगी, आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। सो अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा अकाउंट्स के अंदर अभी तक, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइन। Thank you.